हेलो एवरीवन, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। स्कूल जिनके बच्चे जाते हैं उनके लिए इस टाइम पर उठना बहुत नॉर्मल बात है, तो मेरे ख्याल से आप भी इतनी ही सुबह उठते होंगे। अगर आपके बच्चे सुबह के सेशन में जाते हैं तो सुबह उठकर फटाफट टिफ़िन बनाऊंगी, कुछ अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि आवाज़ बड़ी भारी हुई है मेरी। तो सबसे पहले हाथ वाथ धो लेती हूँ, पानी गर्म कर लेती हूँ बिकॉज आई नीड टू ड्रिंक वाटर अर्ली मॉर्निंग उठकर। तो दो ग्लास में पानी, ग्लास नहीं है ये मग है, अच्छा खासा 500 ml के करीब इस दोनों मग्स में आ जाता है पानी। तो एक में मैं ग्रीन टी बनाने वाली हूँ और एक में मैं एफ्रेश बनाने वाली हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि रेशमा कैसा यूज़ करे, हाँ आलू के पराठे बनाने वाली हूँ तो आलू भी उबालने वाली हूँ। आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करनी थी, बहुत लंबा वक्त चला गया, आप लोगों ने बोला था ना टूटे वैसा वाला आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करना। तो आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं लेकिन मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने लिए हैं तकरीबन 600 ग्राम टमाटो नहीं यार पोटैटो लिए हैं और इसे उबलने के लिए रख दिया है नॉर्मल विदाउट एनी सॉल्ट विदाउट एनी हल्दी। कभी कभी हल्दी भी डालिए, अच्छा लगता है। तो ये दो बनाती हूँ मैं पानी, तो तकरीबन सुबह उठते ही साथ, हाँ ये हमेशा मेरे साथ होता है। ग्रीन टी जब भी मैं बनाने जाती हूँ तो इसका जो ये फीता होता है जिसे हम डिप डिप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं हमेशा अंदर की तरफ गिरा देती हूँ। क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्या मेरी तरह भी आप भी क्लमजी हैं? तो हाँ मैं कर देती हूँ कभी कभी ऐसी गलतियाँ। तो ये एफ्रेश पी रही हूँ और अभी वो मिल्क शेक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा वक्त भी नहीं मिला और ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उसे ऐसे एवरीडे में नहीं पीने वाली हूँ। कभी जैसे घर में कुछ हैवी खाना बनाया जो मुझे नहीं खाना है या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ पर मुझे वहाँ नहीं खाना है तो मैं उसे इस्तेमाल करूँगी, अभी उसे इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। तो ग्रीन टी थोड़ा सा 5-1 मिनट इन्फ्यूज़ होने दूंगी, तब तक मैं अपना पानी पी लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आटा गूंद देती हूँ, तो मैं तकरीबन ले रही हूँ 1/2 kg जितना आटा और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा। यस, इतना नहीं, सिर्फ 2 tablespoons जितना इसमें मैं मैदा डालूँगी और अब मैं इसे गूंदूँगी। सिंपल सॉल्ट जितनी आपके आटे में आपको लगती है उतनी डालिए, पानी, नो ऑयल, नथिंग एल्स, ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं और इसे मैं गूंद लूँगी। हाँ, मैं रोटी का आटा तो एक ही हाथ से गूंदती हूँ, हाँ ब्रेड का जो आटा है वो मैं 2 हाथ से गूंदती हूँ। यस, देखो आलू तैयार हो गए हैं, तो आटा फटाफट गूंद लेना। आटा आपको बहुत पतला नहीं गूंदना है, सख्त आटा ही रहे हमारा। और अगर आप ऑयल डालती हैं तो डाल सकती हैं बट मैं तो नहीं डालती हूँ। आटे पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, आटा बंद जाए बस तभी उसे साइड में रख दीजिए। ओ ये कौन सा कैमरा किस तरफ चला गया, तो बेटा मम्मा 1 मिनट वाला सबके बच्चे करते हैं, मेरा भी बच्चा करता है और 1 मिनट बोले बगैर उठते नहीं है बच्चे। ये तो 1 मिनट बोलती है, मैं पूरे 5 मिनट और सोऊंगी फिर चुपचाप उठ जाऊंगी, ऐसा मैं बोलती थी लेकिन मैं 5 मिनट में नहीं उठती थी। आपके बच्चे करते हैं ऐसा फलक? तो फिर मैं ऐसे बोलती, बेटा मैं सिर्फ 2 बार आवाज़ दूंगी, 3री बार में मैं खुद रजाई लेके सो जाऊंगी, स्कूल जाना आज का कैंसिल हो जाएगा। देन शी गेट अप्स लाइक दिस, नो मम्मा, है ना फलक? सी, बेड के पास, सो दिस इज माई बेड। तो मैं यूजुअली इस पर्दे पर बहुत सारे क्लिप्स आपको मिलेंगे, हर कलर के, हर डिज़ाइन के, महंगे वाले, सस्ते वाले, घर वाले, बाहर जाने वाले। यस, कुकर स्टिल कुकिंग। तो कल किसी ने मुझे कहा कि सुबह उठते ही साथ तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं रेशमा, तो मैंने कहा चलो फ्लॉन्ट कर लिया जाए कि यस बाल खूबसूरत लग रहे हैं। फैन इज ऑन, सीटी बज रही है कुकर की, पता नहीं आवाज़ आपको आ रही है या नहीं, और सुबह वैसे मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है, क्या आपकी भी होती है? आज 7 बजे नहीं पोस्ट कर रही हूँ, 11 बजे तक पोस्ट करूँगी, होप आप सब लोग देख लेंगे। अपकमिंग सैटरडे ये जो 7 को आ रहा है उस दिन मैं ब्रेड की रेसिपी रख रही हूँ। मैंने बता दिया है कौन कौन से फ्लेवर्स होंगे, क्या होगा, गार्लिक ब्रेड भी है उसमें, कुछ चीज़ें शेप का मैंने नाम दिया है फ्लेवर्स, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी कि उसको कैसे फ्लेवर करना है। पुल अपार्ट है, नटेला ब्रेड है, वड़ा पाव ब्रेड है, देन वड़ा पाव की कैसी रेसिपी मैं बनाती हूँ, देन
सनफ्लावर ब्रेड है, देयर आर मच मोर इज देयर. सो ये पूरा हैंड्स ऑन क्लास होने वाला है. और फलक, मेरे घर में जब से मैंने ब्रेड बनाना शुरू किया है, मैं नीचे से ब्रेड नहीं लाती, यानी बेकरी से ब्रेड अब मैं नहीं लाती, क्योंकि मेरी बेटी को नीचे से ब्रेड लाया हुआ या किसी भी बेकरी से लाया हुआ ब्रेड नहीं पसंद आता है. उसे मम्मा के हाथ का ही ब्रेड पसंद आता है. और विच इज योर फेवरेट डार्लिंग? सिनेमन रोल. फलक लव्स सिनेमन रोल. चुन चुन. देखो कौन सा कपड़ा पहन के सोए हैं. ये बच्चा है जो चुपके से चेंज करने के बजाय यही वाला ड्रेस पहन के सो जाएगा. शी सेज के नया नया ड्रेस पहन कर सोने से सपने भी घूमने वाले आते हैं कि हम लोग घूमने गए. जब नाइट सूट पहन के सो ना तो सपने घर वाले आते हैं, और जब बाहर का ड्रेस पहन के सो ना, जो हम लोग बाहर पहन कर जाते हैं, नीचे पहन कर जाते हैं, तो फलक का कहना है उस वक्त हमें सपने अच्छे अच्छे आते हैं कि वी आर रोमिंग अराउंड, कहीं घूमने के लिए गए हैं. और नाइट सूट में घर के सपने आते हैं कि खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. तो फलक का फंडा है अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के सोने का, है ना फलक? अब फलक उठेंगे और तैयार हो जाएंगे. चिंकी चिंकी मेरे चिंकी 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 से हाय टू एवरीवन. सर्दियों वाली जो गर्मी शुरू होने वाली है, उस सुबह के लिए आप सबको सलाम. प्यार तेरी पहली नजर को सलाम. बहुत दिनों से गाना भी नहीं गाया. हाँ, कल मैंने गाना गाया था, बट वो फेसबुक पर गाया था. ये मैं बात कर रही हूँ तो ये मजे ले रही है कि मम्मा बकबका रहे हैं, टुकु टुकु कर रहे हैं अपना, चप 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 मम्मा का चालू है, तो मैं उतना टाइम और सो लूँ. और फिर बोलो ना, सो जा बेटा. नहीं नहीं, आई विल स्लीप विथ यू. नो. हेलो मम्मा, इट्स गेटिंग लेट. किसी ने बहुत तारीफ भी की मेरे ब्रेड की, तो अच्छा लगता है. आपको पता है ना, तारीफ़ें किसे नहीं अच्छी लगती है. मुझे बहुत पसंद है. आपको पसंद है तारीफ़ें अपनी? हाँ, जब अच्छा करोगे तो तारीफ डिजर्व करते हो. हक से मांगो तारीफ, हक से मांगो. मैंने एक प्रिया गोल्ड का ऐड किया था, उसकी फ़ोटो चेक की है. मेरे सब्सक्राइबर ने को मैंने सिर्फ बोला था कि मैंने ना एक प्रिया गोल्ड की ऐड की है, जिसमें ना मैं लालू जी हैं और राबड़ी देवी हैं. तो उसने मुझे ढूंढ कर इंस्टाग्राम पर वो ऐड डाला, और फिर मैं इसकी स्नैपशॉट निकाल के मैंने डाली हुई है. सो फलक इज गॉन ऑलरेडी टू गेट फ्रेश. तो मैं भी जल्दी, मेरा पानी स्टिल बहुत हॉट है. मैं सिर्फ कम हॉट पीती हूँ, बिकॉज ना मुझे चाय पीने की ऐसे आदत नहीं है. आई डोंट ड्रिंक टी अर्ली मॉर्निंग में. अब मेरे घर में चार चार गायें थी, तो मुझे बचपन से दूध पीने की आदत है. और बचपन में मुझे बताना कि किसके माँ बाप ऐसा सिखाते थे कि अगर तुम चाय पियोगी तो तुम काली हो जाओगी, और दूध पियोगी तो तुम गोरी हो जाओगी. ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं होता. ऑब्वियसली मिल्क इज मोर न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन होते हैं. मिल्क आपकी बॉडी को प्रोटीन देता है, मजबूती देता है, कैल्शियम देता है. प्रोटीन तो मतलब जब आप इसका पनीर बना लेते हैं, तो मिल्क इज गुड. यू गॉट मी डांसिंग इन अ स्टॉर्म, बर्निंग एवरीथिंग वी नो, रिजन अप एज़ फायर फाइटर्स. यू गॉट मी डांसिंग इन योर स्टॉर्म, ड्रेसिंग मैचिंग लाइक अ ब्रीज, बट रियली यू आर अ फॉरेस्ट फायर. लग रही है आपको आपकी चाय? मेरी वाली ये ग्रीन टी तो मस्त है, लेमन फ्लेवर है ना. आ ये सीटी, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं ना कभी कभी जब हम सुबह पकाते हैं. तो ये जिनके घर में टिफिन बनता है, और एग्जैक्टली उसके बाजू के घर में लोग 9 बजे तक सोने वाले हैं, या बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज उठकर खुद चले जाते हैं, तो वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं. भाई हम लोग मुंबई के छोटे छोटे घरों में रहते हैं, हाँ ठीक है 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं, लेकिन फिर भी किचन या हमारे घरों के बीच में एक ही दीवार होती है. गांव के जैसा आंगन तो होता नहीं है कि भाई इस घर में क्या पक रहा है, उस घर में खुशबू नहीं जाती है. कभी कभी खुशबू आती है ना पड़ोसी के घर की, तो अच्छा लगता है.
अभी रिसेंटली मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी तो शी मेड बिरयानी, और ट्रस्ट मी मैंने उनका सिक्योरिटी गेट, शी स्टेज ऑन सेकेंड फ्लोर, और जैसे ही मैंने उनका सिक्योरिटी गेट पर थंब लगाया और मैं एंटर करके घुसी, आई वॉज लाइक, मतलब थंब लगाने के पहले ही जो जाली से जंगले से स्मेल आ रही थी, मैंने कहा यार ये कितनी खूबसूरत खुशबूदार बिरयानी की स्मेल आ रही है। और जब मैं घर तक पहुंची तो मुझे लगता ओ मैं जहाँ जा रही हूँ वही ये बिरयानी बन रही है, तो मैं खुश हो गई। यस आई लव बिरयानी, हु डोंट लव बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, एग बिरयानी, बिरयानी इज बिरयानी, नथिंग कैन बीट बिरयानी। यस मेरी बिरयानी क्लासेस भी आ रही है, यू विल गेट 7 टाइप ऑफ डिफरेंट बिरयानीज। वो थोड़ा सा रुक के अभी नहीं, थोड़ा सा वो रुक के बिरयानी क्लास थोड़ा सा रुक के होंगी, पर ब्रेड क्लास जो है उसमें ज़रूर मिलेगा। आई मेक ब्यूटिफुल टेस्टी ब्रेड, हाँ पाव भाजी वाला ब्रेड भी मैं बनाती हूँ, नटेला ब्रेड भी मैं बनाती हूँ, बहुत सारी ब्रेड बनाती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, तो ज़रूर ब्रेड ट्राई करना। और मेरे हाथों की ब्रेड बनी हुई अगर आप खाते हैं तो आप भूल जाएंगे ब्रेड शॉप से लेकर खाना, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बेकरी हो, यू विल फॉरगेट बाहर से बेकरी से लाकर खाना। तो अगर हेल्दी कुछ खास मैं घर पर बनाती हूँ तो क्यों ना उसको फ्लॉन्ट करूँ, तो ज़रूर करिएगा, ब्रेड बनाइएगा। और चलो अभी मैं, यू नो हाउ आई एम, मैं जब बातें करने लगती हूँ तो मैं बातें करते 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 चली जाती हूँ, आई डोंट रियलाइज के कितना ज़्यादा टाइम मैंने खर्च कर दिया, एंड टाइम इज़ वैल्यूएबल। इसे ख़त्म कर लेते हैं, मेरी ग्रीन टी भी रखी हुई है, इसके बाद 10 मिनट बाद आई हैव टू ड्रिंक दैट ग्रीन टी, तो ये मैं पी लेता हूँ। उफ़ अल्लाह, चलो जल्दी भागना पड़ेगा, काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, हाँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप नाउ। चीज़ शुरू की है तो उसको ख़त्म की जाए, और मेरा वेट सो फार सो गुड, काफ़ी अच्छे से लूज़ कर रही हूँ। यार मैं लूज़ तो करती हूँ वेट, ये बात आपको बता रही हूँ, मैं लूज़ करती हूँ वेट, लेकिन मैं जब बीच में छोड़ देती हूँ, ऑब्वियसली आप गलत करते हैं, मतलब आप नहीं मैं गलत करती हूँ, तो इस बार नो गलती। वो कहते हैं ना मुश्किल वक्त इरादा सख्त, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त ऐसा कुछ नहीं है, बट सभी को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। सी इट्स नॉट वज़न कम करना, इट्स अबाउट हेल्दी होना। सबसे बड़ी बात, अगर मैं मॉल जाती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, अगर मैं मॉल जाती हूँ तो अभी तो काफ़ी मैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई वेट आई गेट टायर्ड, बट जब भी मैं काफ़ी दुबली थी, फलक छोटी थी, या मैं अनमैरिड थी, नहीं अनमैरिड थी तभी तो मैं नहीं करती थी इतनी शॉपिंग, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के ही पैसे उड़ाती हूँ नहीं मैं खुद भी बहुत अच्छा अर्न करती थी, आई यूज़ टू वर्क फॉर अंबुजा सीमेंट, मैं काम करती थी उसके लिए, आई यूज़ टू अर्न गुड मनी, आई यूज़ टू डू थिएटर, तो ऐसा नहीं है कि शादी के पहले, हाँ मैं बहुत शादी के पहले भी मैं बहुत पैसे खर्च करती थी, बिकॉज आई यूज़ टू earn very good amount, so that time also I used to earn more than 20-25,000 a month, तो मैं तभी भी इतने पैसे खर्च किया करती थी, मैं बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ पैसे, हाँ ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या आप भी इतने पैसे खर्च करती हैं अपने और अपने पति के, तो अगर मैं कब अगर मैंने अपने पैसे जमा किए होते, या सबको ऐसा लगता है कि यार मैंने अगर अपने पैसे जमा किए होते तो अभी मेरे बॉम्बे में 4 फ्लैट होते, हाँ 5 भी हो सकते थे ऐसा हम लोग सब सोचते रहते हैं ना, अपनी मम्मी को भी बोलते मम्मा जब आप छोटे थे या आपकी शादी हुई थी, जब सोना 500 रुपये तोला था, या 4,000 तोला था, या 3,000 तोला था, या 10,000 तोला था, तब आपने क्यों नहीं खरीद के रख लिया ऐसे मटके मटके में, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं ना, कभी ऐसा सोचते भी है ना। और टाइम मशीन वाली तो बात आपको मैंने बताई है कि काश ऐसा हो जाए, मैं इंतज़ार करूँगी, इंशाल्लाह हो जाएगा, हो सकता है, साइंस तरक्की कर रही है, तो यार बहुत बात करती हूँ मैं, चलो
अब मैं जाके तैयार करती हूँ फलक, मैंने फलक तो तैयार खुद ही हो जाती है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि बराबर नैपकिन लिया है या नहीं, हैंड सैनिटाइजर लिया है या नहीं, पानी का बॉटल लिया है या नहीं। काफ़ी मरतबा बच्चे पानी की बॉटल छोड़ देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें एज अ मदर हम लोगों को ध्यान देनी होती है। और अभी स्पेशली जैसा माहौल चला हुआ है तो थोड़ा सा सैनिटाइजर वगैरह बच्चों को देकर भेजना चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंडिया में इतना कुछ नहीं है, लेकिन सेहत का ध्यान तो हमेशा हमको रखना है। आज के लिए लेक्चर काफ़ी हुआ ना, अभी काम करती हूँ, क्योंकि आलू कहीं ऐसा ना हो जाए फुसफुस हो जाए। आलू के पराठे बनाने का सीक्रेट है कि आलू जैसे ही उबल जाए उसे निकाल दीजिए, पानी में मत छोड़िए। अगर ये पानी में रहता है तो ये पानी सोख लेता है और बहुत ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता है। आलू आपके नए हो या पुराने हो कोई मसला नहीं होगा, तुरंत उबलते ही साथ आलू को आप निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा इन द सेंस अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, तिक्खी नहीं है चिली फ्लेक्स इसलिए 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप मिर्ची अपने बच्चे के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से देख के डालिएगा। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है जीरा डालने से। और ये है मैजिक अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून इसमें डालिए आप अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर लीजिए। याद रखिए बिल्कुल भी स्टफिंग अपने हस्बैंड का नाम याद आ रहा है मुझे स्टफिंग बिल्कुल भी ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चीज़ भी डाल दी है, ज़रा बच्चे खाते हैं तो अच्छा लगता है उनको और हेल्थ के लिए भी कोई बुरी नहीं है चीज़। तो मैंने कोरिएंडर डाल दी है और इसमें डाली है मैंने कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथ में रगड़ लीजिएगा, ये रेशा रेशा जो उसका रह जाता है उसे फेंक दीजिएगा। तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब ये फलक स्कूल भी लेके जाएगी और लंच में भी हम खाने वाले हैं। देखिए ये आटा अब गूंद चुका है, मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बस 1 मिनट और मैं इसे मसल दूंगी ताकि ये जो ज़रा ज़ुरी ऊपर से आटा जैसा है वो मिक्स हो जाए। इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है मैंने अभी तक का, और इसे मैं बेल कर नहीं स्टफ़ करूँगी, मैं इसी तरह से हाथ से लोई बना कर साइड में इसे पतला करके, आप चाहे तो बेलन से चकले पर भी बेल कर इसे स्टफ़ कर सकते हैं। और ज़्यादा मत भरिए, ओवर भरने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 टेबल स्पून बहुत हो गया, क्योंकि मैं बहुत बड़े पराठे नहीं बना रही हूँ, मेरा तवा ही इतना बड़ा वाला नहीं इस्तेमाल कर रही, छोटा वाला तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे इस तरह से अच्छे से बंद कर लीजिए, अगर कहीं से भी ये दिखता है कि ये खुला हुआ है तो उस पर थोड़ा और आटा लगा के बंद कर लीजिए इसे, और फिर इसे बेलना शुरू करें। मेरी मम्मी कहती थी कि रोटी एक बार आपने चकले पर रखी है ना तो फिर इसे हाथ नहीं लगाने का बार बार, ये डायरेक्टली एक बार उठाई आपने तो आपने सीधे इसको तवे पर डालना है। तो मेरी रोटी अपने आप गोल गोल घूमती है, इसे मैं उलट पलट ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ना करूँ, तो वैसे ही मम्मी कहती थी, तो मम्मी तो सही कहती है सबकी। तो पराठा बहुत पतला बेलती हूँ मैं, ज़रा भी मोटा नहीं बेलती हूँ, और अगर मैं 2 अलग स्टफिंग बनाती हूँ तो पराठे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो सिसमी सीड्स तिल है वो मैं इसे डाल देती हूँ, थोड़ा रेस्टोरेंट वाला भी फील आ जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। हल्का सा घी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि भाई आलू के पराठे हों और उसमें घी ना लगे तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी अलग स्टफिंग बनाती हूँ, बिल्कुल भी पराठा नहीं फटा है देखिए, और सिलिकॉन के ही स्पून यूज़ करती हूँ, ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑफलाइन मिल जाते हैं। आपके जो ये नॉनस्टिक तवा होता है, नॉनस्टिक पैन्स होते हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है इससे यूज़ करने से। लकड़ी का हम लोग पहले यूज़ करते थे लेकिन वो भी हमारे तवे को ख़राब कर देता है। तो यस ऑफकोर्स घी लगाऊंगी मैं उसके ऊपर, आलू का पराठा है बच्चे को बना के दे रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते में, तो क्रिस्पी क्रिस्पी, अगर थोड़ा आपको कड़क कर पता है थोड़ा सा चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं चाय नहीं पीती तो क्या हुआ, लेकिन ये तो मुझे मालूम ही है कि चाय के साथ आलू का पराठा ज़रा क्रिस्पी हो तो मज़ा आ जाता है। कैसा लगा ये आलू का पराठा आपको? स्टफिंग के बारे में बता रही थी मैं, ये तो मैंने पपी सीड्स लगा दिया, हाँ मैं ऐसे रख देती हूँ कभी कभी ताकि नीचे से ये पानी पानी ना हो। तो अगर मैं स्टफिंग 2 अलग बनाती हूँ, फलक तीखा नहीं खाती है, मैं और शफी तीखा खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टफिंग में मैं जो तीखी वाली अगर कभी फलक को ना चली जाए, इसलिए ये इस पर तो मैंने पपी सीड्स लगाई है ना, लेकिन मैं जब अपने लिए बनाती हूँ, सभी के लिए बनाती हूँ, तो मैं अजवाइन ऊपर लगा देती हूँ इसमें। आप अजवाइन लगा सकते हैं, चिली फ्लेक्स लगा सकते हैं, तो हल्का तीखा स्पाइसी, अंदर भी स्पाइसी है और ऊपर भी स्पाइसी है। एक ही स्टफिंग में देखिए पतला पराठा बना है, पराठे में पूरी तरह आलू हर तरफ फैला हुआ है लेकिन पराठा पतला बना हुआ है।
जब कलर ऐसा बदल जाए ना तब समझ जाइएगा दूसरी साइड पक चुकी है, तो टर्न कर दीजिए और देखिए पूरी की तरह मेरा पराठा फूल रहा है और आहाहा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। काश आप साथ होते तो खाते, कोई बात नहीं आप टीवी से देख लीजिए, मैं इधर पे से आपकी तरफ से एक निवाला तो खा ही लूँगी। तो यस, हमेशा पराठा इस तरह से फूल कर बनता है मेरा माशाल्लाह। तो थोड़ा सा प्लेटिंग भी करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये गिर जाएगा इसलिए इसे हटा देती हूँ और शराफत से सिर्फ पराठा ही रखती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की है अपने पराठे की रेसिपी। बहुत पहले से मैं बोल रही थी कि ऐसे पराठे सिखाऊंगी जो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, आप कितने भी पतले इसको बेलिए, मतलब एकदम आप खाकरे जैसे तो नहीं बेल सकते। तो मैंने तीन अलग कलर के अलग फ्लेवर्स दिए, इसमें चिली फ्लेक्स लगाया है, एक में एक अजवाइन लगाई है और एक में पपी सीड्स लगाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं, अभी वीडियो बाकी है क्योंकि मैं आपसे एक और बात बताने वाली हूँ इस पराठे के अलावा। ठीक है, मैं ये पराठा नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि अभी तो मैं फलक के साथ निकल रही हूँ और वेट लॉस सेंटर जा रही हूँ। ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ जो कि अभी नहीं, आने के बाद खाऊंगी, लेकिन बना के जाती हूँ, आते ही साथ भूख लग जाती है ना यार। देसी वाला उत्तपा मैं आकर खाने वाली हूँ वेट लॉस सेंटर से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सॉरी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों पहले आप लोगों ने ये रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी, ना टूटे ऐसा वाला आलू का पराठा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टुमारो इंशाल्लाह। और अगर सैटरडे को ब्रेड क्लास में आ रहे हो तो ब्रेड क्लास में तो अपनी मुलाकात होने वाली है। बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय।